हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम वर्कशीट नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 10 वर्कशीट नंबर 2 में मैंने आप लोग को दिया था डेट फाइंड द एचसीएफ ऑफ 52 एंड 117 एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ इट एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म 52x प्लस 72y। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 52 एंड 117। पहला पार्ट ये है कि इन दोनों का हमको एचसीएफ फाइंड करना है एंड सेकेंड पार्ट में बोला है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो। सो हम इसको करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एचसीएफ ऑफ 52 एंड 117 निकालना चाहते हो तो सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प ले सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने बोलता है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हम यूज करें तो हम 117 को डिविडेंड मानेंगे बिकॉज 117 इज ग्रेटर देन 52। सो ले लो, लेट 117 इज इक्वल टू 52 इंटू 2 प्लस 13। 117 मेरा डिविडेंड है एंड 52 मेरा डिवीजर है। सो 117 मस्ट बी इक्वल टू 52 इंटू 2 प्लस 13। सो 52 इंटू 2 हो गया आपका 104। सो 104 माइनस 117 बिकम्स 13। सो 13 आपका आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, यानी ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई यूक्लिड्स के हिसाब से। सेकेंड इक्वेशन में 52 हमारा हो जाएगा डिविडेंड और 13 हमारा हो जाएगा डिवाइजर। सो 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4। 13 इंटू 4 इज 52। सो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो। रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो। यानी कि अगर यहाँ रिमाइंडर जीरो आ गया है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से आपका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 13। क्योंकि जिस जहां पर लास्ट इक्वेशन में हमारा जीरो आता है, जस्ट उसके पहले इक्वेशन का रिमाइंडर हमें उस दो वैल्यू का एचसीएफ दे देता है। यानी 52 एंड 117 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। सो हेंस एचसीएफ ऑफ 117 एंड 52 इज 13। सो नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब x एंड y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया है हमको उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, नाउ टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म 52x प्लस 117y वी विल राइट अबव इक्वेशन इन रिवर्स ऑर्डर। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि एज देयर इज ओनली वन इक्वेशन, अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में ही रिमाइंडर जीरो आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन में रिमाइंडर जीरो आने के वजह से फर्स्ट इक्वेशन में ही हमें एचसीएफ मिल गया। सो हम एक ही इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। सो उसको रिवर्स ऑर्डर में हम कैसे लिख सकते हैं, 13, ये इक्वेशन नंबर 1 को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। 13 मस्ट बी इक्वल टू माइनस 52 इंटू 2 प्लस 117। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 13 इज इक्वल टू 52 इंटू ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 117 इंटू ब्रैकेट में 1। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इस इक्वेशन को तुम कंपेयर करोगे तुम्हारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, डेट इज 52x प्लस 117y, सो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करो। सो 52x, x की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस 2। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। y की जगह क्या लिखा हुआ है, 1, 117 इंटू y, यानी 117 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। सो x आ गया आपका माइनस 2 एंड y आ गया 1 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन। होप सो समझ में आया होगा आप लोग को, तो ये नोट डाउन कर लो। थैंक यू।